प्राचीन अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी महाराज के मंदिर हैं, जहां पर भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं और हनुमान जी महाराज की साधना करते हैं और हनुमान अष्टमी की तैयारियां अब हनुमान मंदिरों में दिखाई देने लगी है। उज्जैन के बड़नगर रोड पर उजन खेड़ा हनुमान मंदिर, सूर्यमुखी हनुमान मंदिर, उत्तर मुखी हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में साज सज्जा और धार्मिक रामायण पाठ अनुष्ठान का शुभारंभ हो गया है, जो हनुमान अष्टमी तक निरंतर चलेगा। अभी हनुमान मंदिरों में भक्त भी पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए और इन मंदिरों में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल भी हो रहे हैं। उज्जैन शहर में हनुमान अष्टमी का बड़ा ही खास महत्व रहता है। यहाँ पर बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हनुमान जी की महाआरती की जाती है और पूजा अर्चना की जाती है। हनुमान अष्टमी के साथ ही कई प्रकार की तैयारियों पर इन भक्तों को देखा जा सकता है मंदिरों के अंदर साज सज्जा और हनुमान जी की पूजा पाठ करते हुए। सुर समर करनी करही जही न जनावै आप तुम तो काल हाथ जन लावा बार बार मोहिला की बुलावा अब जन दे दोष होय जोगो कतवाती बालक बद जोगो दोषिक का चमे अपराधु पाल दोष गुण गन इन साधु उतर देत छोड़ो बिन मारे केवल कौशिक दीन तुम्हारे आगा जितनु कह हृदय हती मुनि हरि हरि तू जय हनुमान अष्टमी पर अभी कौन कौन सी यहाँ पर तैयारियाँ किस प्रकार से की जा रही हैं और किस प्रकार से क्या हो रहा है? परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज की प्रेरणा से उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध श्री उज्जैन खेड़ा हनुमान जी मंदिर पर हनुमान अष्टमी के अवसर पर श्री राम मारुति यज्ञ और श्री रामचरित मानस के पारायण का पाठ शुरू हो चुका है। यज्ञ पूर्णाहुति 6 जनवरी हनुमान अष्टमी की शुभ अवसर पर होगी और इस बार हमारे यहाँ जो भंडारा होता है उसमें थोड़ा सा हमने रूप का बदला है क्योंकि कोविड के कारण हम लोग इस बार फूड पैकेट वितरित करेंगे और यहाँ पर ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन हो। किस प्रकार से यहाँ पर काफी प्राचीन मंदिर है हनुमान मंदिर अभी हनुमान की परंपरा यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, इसलिए हम लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं। उज्जैन की धार्मिक आस्था के केंद्र है, हम काफी कैसा लगता है यहाँ पर आने के बाद? और कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पर आते रहते हैं और क्या लगता है? अभी यहाँ पर कौन सा रामायण पाठ किया जा रहा है और कैसा लगता है यहाँ पर? रामायण का अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। और कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर होंगे? यहाँ पर 3 दिन का अभी चलित भंडारा वगैरह होगा, हनुमान अष्टमी 3 दिन का चलन कार्यक्रम चलेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।